में पूरे समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की खास खबरें। अमेरिकी विशेषज्ञों का दावा, भारत की परमाणु नीति में हो रहा है बदलाव, निशाने पर चीन। सऊदी अरब के नजरान शहर में मकान में आग लगने से 10 भारतीयों की मौत, 6 से ज्यादा झुलसे। चीन के साथ बढ़ती तनातनी के बीच सरकार ने शुक्रवार को बुलाई सर्वदलीय बैठक, सुषमा स्वराज देंगी हालात की जानकारी। राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने कहा, पुराने आभूषण या सोना बेचने पर लगेगा 3% GST। ड्यूटी सख्त हुआ, हरिद्वार से उन्नाव के बीच गंगा नदी में कचरा फेंकने वाले पर लगेगा 50,000 रुपए का जुर्माना। SBI ने 75% तक घटाए NEFT और RTGS चार्जेस। असम में बाढ़ से हाल बेहाल, अब तक 44 लोगों की मौत। समुद्र तट पर प्रदूषण के खिलाफ भूख हड़ताल कर रहे रेत पर कलाकृति बनाने वाले सुदर्शन पटनायक बीमार पड़े, अस्पताल में भर्ती। भ्रष्टाचार के आरोप में रांची के प्रधान आयुक्त तापस कुमार दत्ता गिरफ्तार। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, बेटे का रूसी वकील से मिलना गलत बात नहीं। चीन के विद्रोही नेता और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता लियू जियाबो की हालत बहुत ही गंभीर। ये थी आज की खास खबरें। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।